हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। तो फिर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजन का। आपका आज का डे है 23rd और फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे वीडियो, बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को काम क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तीनों काम करने के बाद से आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। और जैसे कि आपको पता है कि 13 अगस्त से आप सभी का पेपर है, तो मैं जो जो चीजें आपको पढ़ा रही हूँ बहुत रिलेट करके पढ़ा रही हूँ। भाई जैसे कि आपको पता है कि सीएचएसएल के का एग्जाम हुआ था और सीएचएसएल का एग्जाम अभी कंप्लीट नहीं होने पाया था, तो उससे रिलेट करके, क्योंकि ऐसा है कि सीएचएसएल का पेपर होता है जो सीजीएल का प्री का पेपर होता है, दोनों काफी ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। तो मैंने वहां से भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आए हुए थे एग्जाम में, और जो प्री के क्वेश्चन है वो भी है, और उन सभी के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। आपका 13th अगस्त से जो आपका एग्जाम जब तक रहेगा एसएससी 2024 तक है, जो भी आपका है, उस सब में क्या क्या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे और लिंक को शेयर करते रहिए आप लोग। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है एरर का, कहता है इफ इट वुड रेन दे विल नॉट कम। आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि इफ हमारा क्या है, इफ हमारा कंडीशन क्लॉज है, इफ हमारा कंडीशन है। ठीक है, और ये जहां भी ऐड हो जाता है वो कंडीशन बता देता है, इफ जहां भी ऐड हो जाता है कंडीशन बताते हैं। तो जो भी हमारे कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जहां पर भी इफ स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है अगर, तो ये जहां भी ऐड हो जाता है वहां पर हम तीन वर्ब्स का कभी भी यूज नहीं करते। पहला हमारा है विल, दूसरा है शैल और तीसरा उड है। ये कंडीशंस बताने वाले वर्ब्स का हम बिल्कुल यूज नहीं करते, यानी कि उड का यहां पर यूज नहीं होगा। ठीक है, यहां पर उड का यूज नहीं होगा। इफ इट के साथ में आपका रेन भी नहीं होगा, क्या होगा, रेन्स होगा। तो यहां पर दो दो एरर हमें मिल गया है, और आपको ये बात सीखने को मिली है कि इफ के, इफ हमारा क्या होता है, कंडीशन बताता है, और ये जिस भी सेंटेंस में यूज किया जाता है वहां पर ये तीन वर्ब्स नहीं यूज किए जाते हैं, पहला विल, शैल और वुड। तो यहाँ पर वुड का कटा, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर था, और दूसरा यहाँ पर रेन्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिक पल्सेस आर सो पॉपुलर टूडे दैट मेनी पीपल वंडर हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम। मतलब ऑर्गेनिक पल्सेस जो होते हैं, पल्सेस का मतलब क्या होता है, दाल, वो बहुत ज्यादा क्या है, आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आर सो पॉपुलर, आर क्यों आया, पल्सेस के लिए आया है। सो यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है, सो पॉपुलर टूडे, सो यहाँ पर एडवर्ब है, और पॉपुलर क्या है, एडजेक्टिव है। टूडे आज, दैट मेनी की बहुत सारे जो लोग हैं वंडर आश्चर्य करते हैं हाउ दे एवर लिव्ड विदाउट देम। आपको पता है कि एवर का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो अगर हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, इट मींस कि हमें यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है डे के अकॉर्डिंग वर्ब, यानी कि क्या हो जाएगा, हैव एवर लिव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव एवर लिव्ड हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, तो ये चीज ध्यान में रखिए आप लोग। और अब यहाँ देखिए, सो पॉपुलर टूडे दैट मेनी पीपल वंडर, लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, आश्चर्य करते हैं हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट देम। देम क्यों आया है, किसके लिए आया है, पल्सेस के लिए आया है। ठीक है, तो पल्सेस हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर देम आया है। ठीक है, तो यहां तक की बात है, और यानी कि एरर हमारा कहाँ था, सी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। माय फादर डिड नॉट अप्रूव, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक की बात सही है। फिलर्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सारे फिलर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और इनमें आपको ध्यान रखना है, इनमें आपको ध्यान रखना है पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन और साथ ही साथ पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रेपोजिशन और साथ ही साथ पार्ट ऑफ स्पीच। माय फादर डिड नॉट अप्रूव, मेरे पिता मुझे अप्रूव नहीं करेंगे, अप्रूव के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, द प्लान ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ उत्तराखंड बिकॉज ऑफ बैड वेदर देयर। मेरे पिता मुझे अलाउ नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे ट्रेवलिंग के लिए उत्तराखंड क्योंकि वहां का वेदर कैसा है, बैड है, अच्छा नहीं है। अप्रूव के साथ में प्रेपोजिशन आपका आता है हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, ऑफ आपका। ठीक है, अप्रूव वन नहीं होगा, अप्रूव टू नहीं होगा, अप्रूव विद नहीं होगा। ठीक है, आई अप्रूव टू यू समवन, आप जब भी अप्रूव का यूज करेंगे अप्रूव के साथ में प्रेपोजिशन आपका ऑफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई सेटल्ड, सेटल के साथ एट नहीं आएगा, सेट एट मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, सेट एट आपने अभी कुछ स्टार्ट किया है। ठीक है,
इन, सेट इन का मतलब होता है जब इस सेट इन के साथ में हम इन लगा देते हैं तो यहाँ पर मतलब होता है क्या, हमने सेट इन किया है, हमने किसी चीज को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा आपका, ठीक है। और सेट ऑफ का मतलब होता है क्या करना, सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। और सेट ऑन, सेट ऑन, सेट ऑन का मतलब भी बहुत ज्यादा, देखो सेट ऑन इम्प्रॉपर है आपका, सेट ऑन यूज नहीं किया जाता है प्रॉपरली। एक तो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है सेट इन पूछा जाता है, सेट इन और आपका सेट ऑफ पूछा जाता है, सेट अप पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑन आपका जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होगा क्या होगा, इसका मतलब होता है सेट ऑन का मतलब, लेट देखिए, तो सेट ऑन का मतलब होता है जब भी सेट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन लग जाता है, इसका मतलब होता है गो फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ना, ठीक है। स्थापित होने के लिए यहाँ पर हम रुकने के लिए, स्थापित नहीं यहाँ बोलेंगे, रुकने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेट इन यूज करेंगे। और जब भी स्थापना की बात हो जाती है तो हम सेटअप कर देते हैं यहाँ पर, सेटअप, ठीक है। सेटअप आपका बन जाता है स्थापना के लिए, और सेट इन बन जाता है एक पोजिशन बताने के लिए और रहने का स्थान बताने के लिए हम सेट इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो कमेंसमेंट का यहाँ पर मतलब होता है किसी चीज का आरंभ होना, बिगिनिंग होना। प्रिजर्व का मतलब होता है शपथ लेना, और स्पेशली हम जब वहां न्यायालय में शपथ लेने की बात करते हैं तो प्रिजर्व का यूज करते हैं। कंडन और आपका क्या होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है अस्थगन करना, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है अस्थगन करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिनोनिम क्या बन जाएगा, अबेयंस का क्या सिनोनिम बन जाएगा, डी ऑप्शन, अस्थगन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, डॉन्टेलेस आपका है यहाँ पर, डी ए यू एन टी एल ई डबल एस, डॉन्टेलेस। डॉन्टेलेस का मतलब होता है निर्भीक, यानी कि एडवेंचरस, वो व्यक्ति जिसको किसी बात का डर ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉन्टेलेस बोलते हैं। इसका बताना है आपको सिनोनिम, ब्रेव बन सकता है बिल्कुल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेव बन जाएगा। ब्रेव मतलब क्या होता है, एडवेंचरस, बहादुर। इनसेन का मतलब होता है इसेंट्रिक, यानी कि पागल। प्लेफुल का मतलब होता है जो इंसान क्या हो, बहुत ही मजाकिया हो, उसको प्लेफुल बोलेंगे। अगली का मतलब क्या होता है, बदसूरत, ठीक है, बेकार। तो डॉन्टेलेस का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, ब्रेव बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है क्या, हिडन, छिपा हुआ, हिडन, ठीक है, कंसील्ड। अब इसका हमें बताना है क्या, इसका बताना है एंटोनिम बताना है, यानी कि हिडन है कोई चीज तो अगर कोई चीज ओपन है, खुला हुआ है, तो वो उसका क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, यानी कि इलीगल, ठीक है। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, यानी कि सडनली। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, सडनली, अचानक से। वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है थकान, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा, हमारा आंसर बनता है क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इंटरप्रिट का मतलब होता है, इंटरप्रिट का मतलब होता है डॉन्टलेस, यानी कि क्या, अभी तो बताया डॉन्टलेस का मतलब होता है क्या, डॉन्टलेस का मतलब होता है बहादुर, डॉन्टलेस का मतलब होता है एडवेंचरस, डॉन्टलेस का मतलब होता है ब्रेव, डॉन्टलेस का मतलब क्या होता है, डॉन्टलेस का मतलब होता है जो क्या हो, उसके लिए वर्ड निकालिए जरा फटाफट से, आप लोग बोलते जाइए, इंटरप्रिट, डॉन्टलेस, है ना, एडवेंचरस, और क्या, ही मैन उसको बोल सकते हो। अब इसके लिए हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, एंटोनिम फटाफट से सिलेक्ट करिए क्या हो जाएगा इसके लिए, एंटोनिम बताइए। ग्रीड मतलब होता है लालची, काइंड, दयालु। मीक मतलब होता है सबमिसिव, हम्बल, यानी कि जो व्यक्ति बहुत चुपचाप हो, शांत हो, दब्बू हो, डल हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मीक बोलेंगे, यानी आंसर क्या बन जाएगा, डॉन्टलेस का एंटोनिम क्या हो जाता है, डॉन्टलेस का एंटोनिम हो जाता है मीक। साई मतलब होता है सांसें लेना, साई मतलब क्या होता है, सांसें लेना, आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, टू स्टील अ मार्च, ईडीएम का क्वेश्चन आ गया है गाइस, ईडीएम पे बहुत खास फोकस करेंगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत आसान भी होता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता चलती है वहां पर। ईडीएम पर खास फोकस करेंगे, ईडीएम कैसे आपको वहां पर एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। टू स्टील अ मार्च, टू स्टील अ मार्च का मतलब होता है मार्च को चुरा लेना, नहीं,
टू स्टील द मार्च मतलब होता है किसी की अपॉर्चुनिटी को जब्त कर लेना और अपने आप को शाइन कराना, किसी की अपॉर्चुनिटी किसी की अवसर को जब्त करके अपने आप को वहां पर हाजिर करके शाइन करने का मतलब होता है टू स्टील अ मार्च। तो जैसे यहाँ पर स्टील लिखा हुआ है चोरी करने से, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं जब हम किसी की अपॉर्चुनिटी किसी के अवसर किसी के चांस को चुरा करके अपने आप को प्रोडक्टिव बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं टू स्टील अ मार्च। ठीक है, तो टू एक्ट इन अ फूलिश वे तो बिल्कुल नहीं होगा, टू ब्रेक समथिंग बिल्कुल नहीं होगा, टू आउट साइन मतलब होता है क्या, टू स्टील अ मार्च मतलब शाइन करना, मतलब किसी की अपॉर्चुनिटीज को लेकर के शाइन करना। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए इन अ जिफी, इन अ जिफी का मतलब होता है डू अ वर्क इन अ हरिडली मैनर, मतलब आप कोई काम कर रहे हो उसको जल्दबाजी में करो, दिए गए समय से पहले उसको खत्म कर दो, तो उसको हम बोलते हैं इन अ जिफी बोलते हैं। सो फेल टू विन एप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं होगा, इन एन एप्रोप्रिएट मैनर बिल्कुल नहीं होगा, समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली, जो चीजें बहुत समय से पहले खत्म कर दी जाए उसको हम बोलते हैं क्या, इन अ जिफी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए टू फॉल इन लव नहीं होगा। After, अब इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया है गाइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को बताएंगे फटाफट क्या करना है, बहुत ही आसान होता है और बेसिकली ये आपका बेस्ड होता है किस पर, टेंस पर बेस्ड होता है। तो अगर आपका टेंस का चैप्टर तैयार है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, कह रहे हैं क्वेश्चन, आफ्टर ही अराइव्ड फ्रॉम ऑफिस ही गोस टू जिम, जैसे वो ऑफिस से आता है वो जिम जाता है, ऑफिस से आता है जिम जाता है, ये बात बता रहा है किसकी, हैबिट की बात हो रही है यहाँ पर। हैबिट मतलब क्या हो जाता है, हैबिट मतलब हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एसईएस का यूज होता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। अब यहाँ पर ही तो हमारा सिंगुलर है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे तो साथ में अराइव्स करेंगे ना कि अराइव करेंगे। तो देख लो, हैड बीइंग अराइव है ये भी नहीं होगा, आफ्टर ही हैड अराइव्ड है ये भी नहीं होगा, ही अराइव्स है यहाँ पर मतलब ऑफिस आने के बाद से वो क्या जाता है, जिम जाता है। यहाँ पर हमें सी ऑप्शन करेक्ट हमारा है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हेन आई फर्स्ट सॉ अंकित, जब मैंने पहली बार अंकित को देखा, सॉ है मतलब पास्ट की बात हो रही है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज किया है। जब हमने पहली बार अंकित को देखा तो वो खेल रहा था, क्या, क्रिकेट खेल रहा था। वॉज प्लेइंग दिया हुआ है, पास्ट की बात हुई है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट का पास्ट ही बताया गया है, पास्ट में कोई काम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस समय मैंने अंकित को देखा था उस समय अंकित क्या कर रहा था, उस समय अंकित खेल रहा था। तो अंकित जब खेल रहा था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पास्ट में एक काम क्या था, कंटिन्यू था, यानी कि देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, मैनिया फॉर ट्रेवल, घूमने की सनक को हम क्या बोलते हैं, मैनिया मतलब होता है पागलपन, पहली चीज तो ये देख लेंगे, मैनिया मतलब होता है सनक या फिर पागलपन, जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हम किसी चीज के एडिक्टर हो जाते हैं, एडिक्शन में किसी चीज का हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैनिया। सो घूमने के इस पागलपन को हम क्या बोल सकते हैं, ड्रोमैनिया बोलते हैं घूमने के पागलपन को। अगर इस प्रकार का सनक है आप में कि आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं हर जगह पर, तो उसके लिए हम ड्रोमैनिया यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं हाइपोमैनिया, हाइपोमैनिया का मतलब है, हाइपोमैनिया का मतलब है कि आपको एक एक प्रकार का डिजीज होता है, एक प्रकार का डिजीज है जिसमें आप समय समय पर अपनी भावनाओं को चेंज करते हैं, कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, कभी आप बहुत नाराज हो जाते हैं, कभी आपको रोने का मन करता है, इस प्रकार की भावनाओं में जो चेंज देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं हाइपोमैनिया बोलते हैं। ठीक है, मिगैलोमैनिया का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो एक्सेसिव प्रेज के लिए हमेशा रहता हो, मतलब उसको अपनी तारीफ पसंद हो, या ऐसे व्यक्ति को भी बोल सकते हो जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, उसको हम मेगलोमैनिया बोलते हैं, यानी कि उसको फेल होना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपने पे बहुत कॉन्फिडेंट है, वो चीजें जो करता है उसको लगता है वही सही है और बाकी चीजें गलत है, उस इस प्रकार की जो सोच होती है उसको हम बोलते हैं मेगलोमैनिया। द पर्सन हु थिंक्स दैट ही इज ओनली अ पर्सन हु कैन डू द थिंग्स बेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगलोमैनिया बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इंग्लिश में, अ पर्सन Who thinks he is the only one who can do the things better. मतलब वह व्यक्ति जो केवल
अगर ये सोचता हूँ कि वही चीजों को अच्छी तरीके से कर सकता है, उसको इस प्रकार की जो सनक होती है, इस प्रकार की जो भावना होती है, उसको हम बोलते हैं मीग्लोमैनिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्फोमैनिया। निम्फोमैनिया देखो, ये निम्फोमैनिया काफी ज्यादा डिबेटेबल फैक्ट है। निम्फोमैनिया बोलते हैं कि जब एक्सेसिव थॉट आपके अंदर आए, मतलब ऐसे थॉट्स आए कि आप क्या हो, आप बहुत ज्यादा, आपको है ना, आपको हेट्रोसेक्सुअल आप बोल सकते हैं। इस प्रकार की जब आप में थॉट्स आ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें आप सोच रहे हैं, तो उस प्रकार की जो एक्सेसिव थॉट होती है उसको हम बोलते हैं निम्फोमैनिया बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, निम्फोमैनिया, मतलब अट्रैक्शन ऑपोजिट जेंडर को लेकर के, और आप में जो थॉट्स आते हैं और बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो थॉट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, निम्फोमैनिया बोलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज, मतलब वह व्यक्ति जिसको अचानक से ही बहुत ज्यादा क्या मिल जाए, धन मिल जाए, बहुत ज्यादा इज्जत मिल जाए, प्रेस्टीज मिल जाए, उस प्रकार के व्यक्ति को हम बोलते हैं परवेन्यू। परवेन्यू बोलते हैं, अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसको अचानक से सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं परवेन्यू बोलते हैं। इगोटिस्ट वो इंसान होता है जो अपनी तारीफ किए रहता है, अपनी तारीफ किए रहता है, अपनी तारीफ किए रहता है, खत्म नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं इगोटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इम्पोस्टर क्या होता है, इम्पोस्टर वह व्यक्ति जो दूसरों के नाम के सहारे अपना नाम बनाता हो, उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर। हु बिल्ड हिज नेम अंडर द नेम ऑफ अदर्स, अंडर द नेम ऑफ अदर्स। ठीक है, और स्किलरी का मतलब क्या होता है, स्किलरी का मतलब होता है जोर देना चीजों पर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब आपको बताना है, स्पेलिंग करेक्शन है, आपको बताना है कि स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है इसमें। ठीक है, स्पेलिंग एरर है आपको बताना है, इसमें स्पेलिंग एरर है आपका। ठीक है, देखो एक्विसेंस का मतलब होता है, एक्विसेंस का मतलब होता है बिना बोले किसी चीज की सहमति दे देना, बिना बोले किसी चीज की हामी भर देना, एक्सेप्टेंस दे देना, उसको बोलते हैं एक्विसेंस। एलिनेट का मतलब होता है अलग करना, एलिनेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, सेपरेट करना। बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, और सेबोटेज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। सेबोटेज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय द थिंग्स, डिस्ट्रॉय द थिंग्स। ठीक है, सेबोटेज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय द थिंग्स। बेलिजरेंट का मतलब होता है एक्रीमोनियस, यानी कि वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या हो, बेलिजरेंट हो। बेलिजरेंट से समझ सकते हो बल दिखाने वाले इंसान को बेलिजरेंट बोलते हैं, और वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है, बहुत ज्यादा क्वेरलसम होता है, उसको हम बोलते हैं बेलिजरेंट। एलिनेट करना, एलिनेट करना, एलिनेट करना, सेपरेट कर देना, सेपरेट कर देना, चीजों को अलग अलग कर देना, एलिनेट करना। एक्विसेंस का मतलब होता है क्या, एक्सेप्टेंस, बट बिना बोले एक्सेप्टेंस जब दिया जाता है तो उसको एक्विसेंस बोलते हैं। देखो सैबोटेज का स्पेलिंग होता है एस ए बी ओ टी ए जी ई, जिसका मतलब होता है तोड़फोड़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर सैबोटेज की स्पेलिंग डबल भी नहीं होगी, एस ए बी ओ टी ए जी ई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। एल्यूमिनियम आपको पता है, एक आपका मेटल है। सिमेट्री का मतलब होता है कब्र, ठीक है, कब्र जहां लोगों को दफनाया जाता है। रेकमेंडेड का मतलब होता है क्या देना, सलाह देना। और सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट मतलब आपका उपग्रह। तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ सही है और सही कर दिया गया है, बट इसका यहाँ पर अगर आपने देखा एग्जाम में डबल एल दिया हुआ है, ए डबल एल दिया हुआ है एल्यूमिनियम में, तो गलत हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हमारे जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने इसको सही कर दिया है, उनको नहीं पता था कि ये स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर एल्यूमिनियम में आपको डबल एल दिखता है तो मतलब ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट आ जाइए। अब हमारा आ गया पी क्यू आर एस का क्वेश्चन, यानी कि बोले तो सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है। और सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको ये भलीभांति आना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हम किसी क्वेश्चंस सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ जाहिर करना चाहती हूँ मैं, तो आराम से मैं उसको बोल सकती हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन अगर है, मतलब इस सेंटेंस में कहीं कोई क्वेश्चन है जिसके रिलेटेड आंसर्स है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वाले सेंटेंस को ले लेंगे, कोई दिक्कत की नहीं है बात। ठीक है, कोई स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से, उसको उठा लीजिए, सबसे पहले उसको उठा लीजिए। अब जैसे यही हमारे पास में है और इसको करना कैसे है वो चीजें हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। कह रहा है पहला वाला सेंटेंस, पहला पी कह रहा है कि इट इजंट बार्गेनिंग ब्रैगिंग अबाउट हाउ ग्रेट यू आर।
इट इजंट ब्रैगिंग, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, बोस्टिंग करना. ब्रैगिंग का मतलब होता है बोस्टिंग करना. इट इजंट ब्रैगिंग अबाउट हाउ ग्रेट यू आर. इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग यू आर परफेक्ट, बिकॉज नोबडी इज, बट नोइंग दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड एंड एक्सेप्टेड. मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि आप अपने लिए कितना ज्यादा अच्छे हो, आप में क्या खूबियां हैं. सेल्फ एस्टीम मतलब अपनी क्या है, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है अपना अपना खुद का आदर. ठीक है, इज हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ एंड योर अचीवमेंट. सेल्फ एस्टीम मतलब होता है अपना खुद का आदर भाव, कि आप कितना अपनी आपकी वैल्यू करते हैं और आपकी अचीवमेंट्स के बारे में कितना सोचते हैं या उसकी कितनी वैल्यू करते हैं, इसके बारे में बात की गई है आर वाले सेंटेंस में. ठीक है, थर्ड वाला कह रहा है इट इज हाउ यू सी योर सेल्फ एंड फील अबाउट योर अचीवमेंट्स. यानी कि जैसे आप अपनी आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं, आपको तुरंत वहां ख्याल आता है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है और आप अपनी वैल्यू ज्यादा करने लगते हैं. इट इज हाउ यू सी योर सेल्फ, इस प्रकार से आप अपने आप को देखते हैं, एंड फील अबाउट योर अचीवमेंट्स, और अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप फील करते हैं. ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया है, दिक्कत की बात नहीं है. यहाँ बताया गया कि आपके अचीवमेंट्स क्या है और आप अपने बारे में क्या सोचिए. यानी कि अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं आर एस को लेकर के साथ में चल सकती हूँ, आर को ले सकती हूँ और एस को ले सकती हूँ. कहाँ आर एस है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है आर एस. आगे का पी क्यू देख लेती हूँ. मैंने आर एस देखा, आर एस को मैंने कंबाइन किया है, पी क्यू देख लेती हूँ मैं. इट इजंट ब्रैगिंग अबाउट हाउ ग्रेट यू आर. मतलब ये कोई ज्यादा ब्रैगिंग नहीं करना है, बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं है, किसी सामने स्क्रीम नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा ग्रेट है. इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग यू आर परफेक्ट, बिकॉज नोबडी इज, बट नोइंग दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड. मतलब आपको कोई और नहीं बता सकता कि आप कितना वर्दी हो, कितना अच्छे हो. आप अपने आप को एहसास करोगे तो ये बातें आपको खुद मालूम चल जाएंगी. ठीक है, सो यहाँ पर हमें लगता है पहला ये जो है, क्योंकि इसको ये ज्यादा क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है. पी वाले सेंटेंस को क्यू वाला ज्यादा क्वालिफाई कर रहा है. यानी पी को हम पहले रखेंगे और फिर उसके बाद हम क्यू को लेंगे. तो आप देख सकते हो, अगर मैं पूरा सेंटेंस पढ़ू तो आर को सबसे पहले लेंगे. सेल्फ एस्टीम इज हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ एंड योर अचीवमेंट्स. एस कह रहा है इट इज हाउ यू सी योर सेल्फ एंड फील अबाउट योर अचीवमेंट्स. एंड पी कहता है इट इजंट ब्रैगिंग अबाउट हाउ ग्रेट यू आर. एंड इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग यू आर परफेक्ट, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट. नोइंग दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड एंड एक्सेप्टेड. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. Most of them are combinations of hydrogen and carbon in varying proportions. ठीक है, कहता है कि बहुत सारे जो है वो combination होते हैं किसके, hydrogen के और organ के, मतलब same proportion में समानुपात में क्या होते हैं, combined होते हैं. Crude मतलब होता है कच्चा. कच्चा तेल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग स्मेल. ठीक है, मतलब कच्चा तेल हमें ये मिलता है अर्थ से, मिलता है ब्लैक लिक्विड और स्ट्रॉन्ग स्मेल से. इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सबस्टेंसेस, ईच विद इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटी. मतलब जो ये आते हैं, जो सबस्टेंस आते हैं, जो अर्थ से हमें सबस्टेंस मिलते हैं, उनमें क्या होता है डिफरेंट, उनमें क्या होता है, उनकी क्वालिटीज क्या होती है, अलग होती है. और सच हाइड्रोजन आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म सच ऑफ विटामिन एस्पॉल्ट एंड नेचुरल गैसेस. अगर मैं बात करूं तो मुझे क्यू वाला कह रहा है कि जो क्रूड एनिमल्स हैं वो अर्थ से इस तरीके से निकलते हैं. मतलब पहला चीजों को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, पहला चीजों को आइडेंटिफाई करने का काम करता है. फिर दूसरा वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं, आर वाला कहता है कि इन्हीं के बारे में एड कर रहे हैं मीनिंग. यानी कि क्यू आर कहता है, QR कहता है इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस. कौन, जो क्रूड मिनरल्स हैं, जो अर्थ से मिलते हैं, वो वाले मिक्सचर बहुत सारे क्या होते हैं, चीजों से मिले जुले रहते हैं, अन्य सब्सटेंसेस से क्या होता है, मिक्स रहते हैं उसमें. ठीक है, तो QR का पेयर बन रहा है. QR का पेयर कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है QR का पेयर, इसको कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ नहीं है तो यहाँ है QR का पेयर, इसको कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें दो जगह पे पेयर मिला. अब P और S को देख लेते हैं. ठीक है, P और S को, सो मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शंस. तो P, चलो ठीक है, इसके बाद P और S क्या कह रहा है, सच हाइड्रोजन आर आल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म्स सच एज विटामिन एस्पॉल्ट एंड नेचुरल गैसेस. तो ये वाला सेंटेंस इसको क्वालिफाई कर रहा है. यानी कि बोले तो S जो है वो P में मीनिंग ऐड कर रहा है. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, P लेंगे, बाद में क्या लेंगे, S लेंगे. यानी कि Q P R S का यहाँ पर पेयर बन जाता है. आंसर क्या बन जाएगा आपका, D बन जाएगा. ठीक है, आंसर D हो जाता है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. नेक्स्ट हमारा है वाइस का क्वेश्चन. और वाइस का क्वेश्चन कहता है कि पहले आइडेंटिफाई कर लो
डिवाइस है कौन सी, एक्टिव है या पैसिव है, तो वो आपको पता है बहुत बेहतर तरीके से कि अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वाइस हमारी एक्टिव है, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वाइस हमारी पैसिव है। तो यहाँ देख रहे हैं वाइस तो एक्टिव है लेकिन टेंस यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट यूज हुआ है, और फ्यूचर परफेक्ट का जब पैसिव वाइस जाता है तो जाता है क्या, सेल जाता है और या फिर मिल जाएगा, और फिर क्या जाएगा उसके साथ में हम हैव यूज करेंगे और हैव के साथ में बीन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए क्या आया हुआ है, अकार वॉज नहीं होगा, अकार वॉज नहीं होगा, अब विल हैव यहाँ पर यूज किया है तो हम इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, अकार विल हैव बीन बॉर्ड बाय, देख सकते हैं विल हैव आया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू ब्रॉट योर लंच, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आपने लंच लेके आप लंच लेकर के आए हैं, इंटरोगेटिव जा रहा है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है तो मतलब अभी अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको हम आस्ट में कर देंगे, इसको हमने आस्ट में किया है, सब में आस्ट यूज हुआ है। अब यहाँ पर हम हैव की जगह पर क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे, और हैव को क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको हैड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये चीज ध्यान में रखेंगे कि ये सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है तो हमें क्या करना है, पहले अपने ऑब्जेक्ट को ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ हम अपना लेते हैं यू, सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट को क्या लेंगे हम, स्टूडेंट ले लेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट लिया, फिर हमें अपना वर्ब हैड यूज करना है क्योंकि पास्ट में जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो देख लेते हैं। अब देखो वाज आस्क्ड नहीं होगा, यानी कि ये भी गलत किया, आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही, स्टूडेंट है ना, चलो ठीक है कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट, आस्क्ड द स्टूडेंट इफ ही वुड, अब यहाँ देखो वुड नहीं हो सकता क्योंकि हैड हमें करना है तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, इफ ही हैड हो सकता है, इफ ही हैड ब्रॉट हिज लंच हो सकता है, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। If he has यहाँ पर गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट में जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो गाइस हमने 20 क्वेश्चंस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस किए, जिसमें हमने फिगर्स किए, हमने टेंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने, ठीक है, वाइस के क्वेश्चंस डिस्कस किए, नरेशन के, तो बहुत ही कंप्लीट आपको एक सीरीज मिल गई है अपने क्वेश्चंस की, जिसको जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपको एग्जाम में कैसा अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सो अभी मेरा ये सजेशन आप लोगों के लिए है कि बचे हुए दिनों में जितना मॉक टेस्ट लगा पा रहे हैं लगाइए, और ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की बार बार कोशिश करिए, जिससे आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाए इंग्लिश के सेक्शन में, बाकी सेक्शन का भी मॉक टेस्ट देते रहिए साथ ही साथ, और वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।